दोस्तों, अगर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं इस लिनेवो के हेडफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसका करूंगा रिव्यू और ये बताऊंगा कि ये HE05 लिनेवो का हैंगिंग हेडफोन कितना यूजफुल है। तो अगर आप इसका डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखें और हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाए तकरीबन 1250 या 1300 रुपये के लगभग, ये 1500 रुपये इसका प्राइस था। अमेज़ॉन से मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है, अगेन रिपब्लिक डे सेल पर। और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये उसका बिल है। मैं आपको प्राइस फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको ये यकीन रहे कि ये मैंने उतने में ही मंगाया है। 1299 मतलब 1300 रुपये का है, 1500 रुपये का इसका हमेशा प्राइस चलता है। ये लिनेवो का ओरिजिनल हेडफोन है, एक्चुअली ये हैंगलिंग हेडफोन है। हैंगलिंग का मतलब ये होता है, ये हैंगिंग का हेडफोन है, जिसका मतलब ये आप गले में आप इसको बांध के ऐसे लटकाते हुए घूम सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेडफोन आते हैं 250-300 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को लिनेवो एज अ ब्रांड पसंद है तो मैं चाहता था एक ब्रांडेड प्रोडक्ट। आप इसमें देख सकते हैं प्राइसिंग तकरीबन 1899 मतलब 1900 रुपये के आसपास लिखी हुई है और ये पूरी तरह से चाइनीज इसमें लैंग्वेज है। अब मुझे लगता है शायद उन्होंने डायरेक्ट चाइना से ही इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि इंडिया में इस तरह का हेडफोन लिनेवो का मिलता भी नहीं है। तो हो सकता है ये एग्जैक्टली इंपोर्टेड हो, इंडिया में कुछ भी ना होता हो। तो अब मैं इसी को करने वाला हूँ अनबॉक्स या अनपैक करता हूँ इसे, और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर। पैकिंग तो यकीनन जैसे नॉर्मल पैकिंग होती है वैसी ही है, पॉलीथीन की एक पतली सी पॉलीथीन की कवरिंग है, ये मैं हटा देता हूँ। और जो इसका जो कार्डबोर्ड है, जो इसका बॉक्स है, वो बहुत ही शानदार है। मतलब मुझे आजकल पैकिंग को देख के मुझे ऐसा लगने लगा है कि पैकिंग भी एक बड़ा लोगों ने बिजनेस बना लिया है, क्योंकि पैकिंग जिस तरह से आजकल करते हैं उससे प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वो प्रोडक्ट, एक ये एक सिलिकॉन का स्ट्रैप लगा हुआ है शायद ये उसको, और ये सिलिकॉन का पीछे सपोर्ट भी है, ये देखिए ये पीछे सपोर्ट है ताकि ये खुले ना। बहुत ही अच्छी पैकिंग है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका हेडफोन में ये निकाल के आपको दिखा दो, पहले थोड़ा बॉक्स को भी देख लेते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं है, बॉक्स अदरवाइज पूरा खाली है। ये देखिए लिनेवो का हेडफोन, या आप नेक बैंड बोल दीजिए, नेक बैंड के नाम से ज़्यादा चलता है। एक ये यूएसबी है, नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग के लिए दी गई है, और ये कैसे लगेगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं इसका साउंड टेस्ट भी करूंगा तो आप इस वीडियो ध्यान से देखिए, कि कई लोग वीडियो इनकम्प्लीट देखते हैं फिर पूछते हैं भाई इसका साउंड टेस्ट कर दो, ठीक है। तो साउंड टेस्ट मैंने भी किया है और मैंने मैडम को भी बोला है कि वो साउंड टेस्ट कर दें। इसके स्पेक्स आप देख लीजिए, ये तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा का ये आपको चल जाएगा ये, और ये 105 mAh की बैटरी है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है। और इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 5 आएगा, 5.0 इसके अंदर है, और बाकी स्पेक्स तो बहुत ही शानदार है ही है। मेन चीज़ तो क्या है, बैटरी, वो बैटरी कितनी देर चल सकती है, 120 आवर से ज़्यादा का इसका स्टैंड बाय टाइम है, जो डिसेंट है। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं। और ये है HE05 की पूरी यूज़र मैनुअल, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जो काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इस नेक बैंड के ऊपर। ये नेक बैंड दिख बहुत प्यारा रहा है, वायर की क्वालिटी जेन्युइनली मुझे अच्छी लगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये नेक बैंड, ये एक्चुअली बैंड जैसा ही है, क्यों, क्योंकि पूरी तरह बैंड हो जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये देखिए पूरा बैंड हो सकता है, ये देखिए ये पूरा बैंड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप आपके नेक के अकॉर्डिंग इसको शेप पे रख लीजिए, और ये टूटने वाला भी नहीं है, ये देखिए ये फिक्स, आप जैसा जैसे चाहें, किसी का छोटा गला है या बड़ा गला है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिए। यहाँ पे ये पावर की दिख रही है आपको, पावर का स्विच दिख रहा है, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन है, ठीक है। और ये है यहाँ पर इसका चार्जिंग का पार्ट, इसको थोड़ा मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो यहाँ पर आप इसको उस USB से जो इसके साथ आया है आप चार्जिंग कर सकते हैं, नॉर्मल चार्जर एडॉप्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया चार्जिंग का स्पॉट, जो काफ़ी डिसेंट है। डिसेंट इसलिए क्योंकि
अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे हेडफोन्स में जो चार्जिंग सॉकेट होते हैं, कई बार वो बहुत नीचे होते हैं। ये साइड में है तो अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा माना जाएगा, ताकि स्वेट वगैरह ज़्यादा जाए ना। और ये IPX6 रजिस्टर्ड है, मतलब IP सर्टिफाइड है। अब ये इसका मतलब क्या है वो पता नहीं, मतलब मेरे हिसाब से स्प्लैश रेन या थोड़ा बहुत पानी या पसीने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी तरह से, अब मैं इसको बता सकता हूँ आपको। अभी मैं इसको ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने पावर ऑन किया है। और ये एक्चुअली मैडम के लिए मंगाया है, मेरी वाइफ के लिए, और वही यूज़ करने वाली है, तो उनसे ही इसका रिव्यू लूँगा मैं कि उनको ये कैसा पसंद आया, ठीक है। क्योंकि जेन्युइनली वो कोई क्या बोलते हैं, टेक पर्सन नहीं है वो, जो बेस्ट उनको समझ में आएगा वो बता देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ब्लूटूथ में सर्च किया, ये HE05 लिख के आ गया, और ये हो गया कनेक्ट पेयरिंग। और अच्छी बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब ये पेयर हुआ ना, तो मैं भी सरप्राइज था कि जो नेक बैंड है उसकी प्रॉपर्टीज भी इसमें दिख रही है। मतलब नेक बैंड में, आपको एक बार फ़ोन हाथ में लेके दिखा देता हूँ, आप ये देखिए। तो ये जो नेक बैंड है, ये 90% इसकी बैटरी अभी चार्ज है, 90% बैटरी रिमेनिंग। मतलब आप बैटरी का स्टेटस, जो आपका हेडफोन है या जो आप ये नेक बैंड है, इसके बैटरी का आप पता कर सकते हो कितना ये सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो अब मैं ना आपको इसका साउंड का एक बार टेस्ट कराता हूँ। पहले मैं इसे ट्रस्टेड डिवाइस की तरह रजिस्टर कर देता हूँ कि हाँ ये ट्रस्टेड डिवाइस है। ये ज़रूरी चीज़ है, ताकि आप आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हो वो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाएं, इजीली आप उनको यूज़ कर पाएं, इसलिए उनको ट्रस्टेड डिवाइस की तरह यूज़ करना ही एडवाइजेबल है। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे अपन जाएंगे तो मैं एक सॉन्ग प्ले करूँगा, और उस सॉन्ग से पता चल जाएगा कि इसका साउंड कितना अच्छा है। कई लोग बैस बहुत स्ट्रांग ढूंढते हैं, अच्छा स्ट्रांग बैस के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसका बैस कैसा है और साउंड कैसा है वो दिखाने के लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि भाई हम क्या करें, एक साउंड या एक म्यूज़िक प्ले कर ही दें। तो चलिए एक म्यूज़िक प्ले करते हैं, बेस्ट है बाला सॉन्ग, तो बाला सॉन्ग पे चलते हैं, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, और जब मैं इसे प्ले करूँगा तो आपको यकीन पता चल जाएगा। अब मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। ये साउंड आप सुन पा रहे होंगे, काफी क्लियर है, काफी क्रिस्प है साउंड, काफी अच्छा है, बहुत ही प्यारा है साउंड। मेरे हिसाब से साउंड में तो फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अब मैडम की बारी, अब मैडम इसको रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसा है ये हेडफोन। तो चलते हैं मैडम की तरफ। हे गाइस, हाय। मैंने ये मंगाया है, प्रभात ने मंगाया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, इस हेडफोन की। तो ये है लिनोवो का नेक बैंड हेडफोन। इसको नेक बैंड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये आराम से मूवेबल है, आप देख सकते हैं ऐसा। इसको मैं किसी भी वे में घुमा सकती हूँ। और ये जो इसका ये ईयर वाला पार्ट है, ये इसके पीछे मैग्नेट है, तो ये ऐसे चिपक जाता है। तो लाइक अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, लाइक जैसे मैंने ये पहना, और अगर मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको दबा दिया, अब ये ऐसे सेट हो गया, ये मूव नहीं होगा इतने इजीली। और ये देखिए, अगर मैं को इसको छोड़ना है तो मैं ऐसे करके इसको रख दूंगी, ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। और अब मैं इसका साउंड आपको बताती हूँ, मैं आपको इसका रिव्यू भी दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो मैं यहाँ साउंड प्ले कर रही हूँ बाला वाला। ओके, ओके। तो मुझे अभी, मैंने जब सॉन्ग सुना, मुझे बिल्कुल भी खर खर वाली आवाज़ भी नहीं आ रही है, आवाज़ एकदम क्लियर है, वॉइस इसकी साउंड एकदम क्लियर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैंने इसको ईयर में डाला तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी डर नहीं आया एक बार भी कि ये निकल जाएगा, ये एकदम सेट है, मीन्स
ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, आप देख रहे हो। अदरवाइज जो नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं ये वाले, ये जो स्पेशली ये मुझे बिल्कुल नहीं जमते हैं। मैंने प्रभात को बोला भी था कि मुझे ये नहीं जमता है, तो उन्होंने उसने मुझे कहा कि ये हो जाएगा। आप इसको देखो, इसको बनाया इस तरीके से गया है ना, ये यहाँ से ऐसे बेंड है, तो अगर ये आपके कान में ऐसे जाता है तो ये अंदर की तरफ घुस रहा है, और कोई चांस ही नहीं है कि ये निकल जाए एंटीनलेस आप इसको खींचो ना या ये खींचे ना। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और मतलब इजिली निकाल भी सकते हैं, इजिली पहन भी सकते हैं, और कहीं पे भी अगर लेडीज यूज करें कहीं पे भी ऐसा मुझे लगा नहीं जैसे मैंने बाल खुले कि ये फंस जाएगा एंड ऑल, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसका ऑफ करने का यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ओके। और ये इसका वॉल्यूम का भी यहाँ पर है, ओके। तो ओवरऑल ये हेडफोन काफी अच्छा है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये हेडफोन, और क्या आपको लगता है कि ये 1300 रुपए का वर्थ कैरी करता है? और अगर आपको मेरी मेहनत एफर्ट अच्छे लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।